पार्टी जिंदाबाद, ये मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद, नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को स्थान स्पर्श करता हूँ, मेरी और मेरी जो साथी गण है मैं उनका आदर सत्कार करता हूँ। आज बड़ा खुशी का मौका है कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करते हुए मैंने ऐसा कोई प्रदेश नहीं छोड़ा जहाँ मैं अपने प्रोग्राम के लिए जनता की सेवा के लिए जो मैं गया नहीं हूँ। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, आपका महाराष्ट्र और ऐसे में सारे कई स्टेटों में घूम चुका हूँ और जनता सेवा में लगा हुआ हूँ। राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी 1991 में ये पार्टी मजदूरों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए ये रचना हुई थी। तभी से मैंने ये पार्टी मैं 91 से आपकी सेवा में तत्पर रहा हूँ और 17 साल की उम्र से ही मैं राजनीति में आपकी सेवा में हाजिर हो गया था और 17 साल की उम्र से ही मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन काल पूरा जीवन काल आपकी सेवा में जनता की सेवा में लगाया है और समाज के लिए करता हूँ और समाज के लिए करता रहूँगा। मैंने आपके भविष्य के लिए ये एक प्रोग्राम रखा है जो मैं 3 साल से गरीब जो महिला है या वृद्ध है जो उनको मैं हर हफ्ते फ्री कंबल शाल दान करता हूँ। हर हफ्ते रविवार को अपने ऑफिस पे कोई भी हफ्ता खाली नहीं जाता है मेरा। मैं हर हफ्ते वृद्ध आदमी के लिए फ्री में शाल कंबल बांटता हूँ अपने जहाँ मेरा पार्टी का ऑफिस है खजूरी के अंदर। और मैं चाहता हूँ बाकी क्षेत्रों में महीने में, 6 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में जगह जगह ये प्रोग्राम में लगाता रहता हूँ। ये प्रोग्राम मेरे हर स्टेट में लगता है। किलो था, आज आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है, क्या ये सच है या झूठ? क्या ये सच है झूठ? मैं सवाल कर रहा हूँ, जनता से पूछ रहा हूँ कि ये सच है या झूठ? ये किसकी मेहरबानी है जो ये भराई जो आज बीजेपी दिल्ली सरकार ने ये सब मिलकर घोटाला कर रखा है, जो आज आप गरीबों को 90 रुपये से 40 रुपये किलो आटा बेच रही है? तो अगर गरीब को महंगा आटा खाएगा तो क्या खाएगा? मैं आटे की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको तेल में कोई यानी तेल आपको अच्छा मिलता है? कोई मिलावट का मिलता है, ये नकली मिलता है, ये मिलावट का मिलता है, नकली मिलता है। दूध आपको मिलावट का मिलता है, ये नकली मिलता है। ये किसकी मेहरबानी है? काम ये सिर्फ बीजेपी और आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की। आज आपको कोई भी शुद्ध चीज खाने को मिलती है क्या? बताइए, हर चीज में मिलावट मिलती है। आज आपका स्वास्थ्य क्या करता है? आज जगह जगह हम जाकर देखोगे आपको मिलावट की चीज मिलेगी। क्यों क्या ऐसी सरकार को चाहते हो क्या जो सरकार आपको हर चीज मिलावट कर देती है? आज से 40 साल पहले अमृत था खाने में, अमृत खाना खाता था, आज भी मौजूद होता था। आज खाना खाता है, आज घायल होता है, बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है। क्यों? किसकी मेहरबानी से? ये आम आदमी पार्टी बीजेपी ये इनकी सरकार है, यही आज घोटाला कर रहे हैं। जबकि आपका स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखता है? कोई नहीं रखता। आपके परिवार का ख्याल कोई नहीं रखता। आज भी मैं जगह ये मैं कारण से कहता हूँ, इतना बड़े खड़े सब लोग क्या इनके लड़के नौकरी करते हैं, 4,000 की, 5,000 की, 6,000 की नौकरियाँ करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है बताइए? ये कोई कानून शहर में लिखा हुआ है जिनको 6,000-7,000 में पढ़ा लिखा आदमी नौकरी कर रहा है कारखानों में? क्यों? ये किसकी गवर्नमेंट है? मेरी गवर्नमेंट है, ये बीजेपी की, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। जो आपको ये घोटाले की गवर्नमेंट है जो आपको चुप दे रही है, क्यों इनका वेतन मान लागू क्यों नहीं करते? सबको कर दिया है लेकिन देते नहीं है।
किसी को नहीं देते, हर घर की कहानी है। आज हिंदुस्तान का 80% लोग गरीब है, इनसे हम ये सरकारें हमसे टैक्स वसूल नहीं है। क्या हम गरीबों से टैक्स कम वसूला जाता है, उनसे टैक्स वसूला जाता है। आज कोई सामान नहीं जाओगे तो टैक्स नहीं आता है, सिलाई मशीन नहीं जाओगे वसूल कर रही है, क्या कारण है?